बोनी बहू और मॉडल बहू की मेहंदी दुकान। निर्मला की एक बोनी बहू थी, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती थी और हमेशा घर के सभी सदस्यों का अच्छे से ख्याल रखती थी। निर्मला अपनी बहू से खुश तो बहुत थी, लेकिन हमेशा उसके मन में एक सवाल रहता था। मेरा बेटा तो लंबा है, लेकिन अगर मेरी बड़ी बहू को कोई संतान होती है तो कहीं वो छोटी ना रह जाए। खैर, ये तो किस्मत के ऊपर है। बाकी अब मेरा छोटा बेटा भी बड़ा हो गया है, मुझे उसके लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। निर्मला का छोटा बेटा नितिन अब शादी के लायक हो गया था। निर्मला अपने बेटे नितिन के लिए लड़की ढूंढ तो रही थी, लेकिन तभी नितिन अपनी पसंद की लड़की के बारे में अपनी माँ निर्मला को बताता है। माँ, ये बात मैं आपको बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। दरअसल माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बस मैं चाहता था कि आप एक बार लड़की को देख लो और रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। बेटा, तू बहुत समझदार और सुलझा हुआ है। अब मुझे लड़की देखने की क्या जरूरत है, मैं उसके माता पिता से डायरेक्ट ही बात कर लूंगी। निर्मला लड़की को देखे बिना ही शादी की बात कर लेती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में उसके बेटे की शादी उसी की पसंद की लड़की से हो जाती है और निर्मला अपनी बहू को अपने घर ले आती है। देखो शनाया, वैसे तो सारी सास बहुत ज्यादा अत्याचारी होती हैं और अपनी बहू को जीने नहीं देती, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में अपनी मर्जी के हिसाब से रहो। जैसे तुम्हें पहनना है, जैसे तुम रहना चाहती हो वैसे रहो, इसे अपना ही घर समझना। हाँ क्यों नहीं माँ जी, अब से ये मेरा ससुराल है और इस ससुराल को मैं अपना ही मानूंगी। लेकिन माँ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है और मेरी खुद की दुकान भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी अपनी दुकान चलाती रहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, अब तू पढ़ी लिखी है, समझदार है और तुझे मेहंदी लगाने का शौक है, तो तू अपनी खुद की दुकान चला सकती, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। निर्मला दुकान चलाने की परमिशन अपनी बहू को दे देती है। वहीं शादी के पहले दिन पर ही शनाया अपनी पसंद की शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है, जिसे देखकर निर्मला हैरान रह जाती है। और उसकी बौनी बहू मेघा पूजा करके मंदिर से आ रही होती है। अपनी देवरानी को इतने छोटे कपड़े पहनते हुए देख उसके हाथ से पूजा की थाली भी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या पहना हुआ है, जरा देखो खुद को, अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे तो कहावत है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन तुम्हारी हाइट छोटी है और बातें बड़ी। मैं चाहूंगी कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना ही करो तो ही अच्छा है। अरे बहू, तुम्हारी जेठानी सही तो कह रही है। अरे एक बार अपने कपड़े देखो जरा, ऐसे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाने की सोच रही हो, हमारा नाम बदनाम करना चाहती हो क्या। वाह माँ जी वाह, एक ही दिन में आपके तो तेवर ही बदल गए। कल तक तो आपने कहा था कि मैं जैसे मर्जी अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, जैसे मर्जी अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ। अब जो आपने बोला उसी बात पर रहो, मैं जा रही हूँ अपनी मेहंदी की शॉप पर। शनाया ऐसा कहकर अपनी मेहंदी की दुकान पर चली जाती है। शनाया की दुकान ही इसलिए चलती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मॉडलिंग में रहा करती थी। उसके छोटे कपड़े देखकर वहाँ ज्यादा लोग आया करते थे, इसी के चलते वो ठीक ठाक पैसे कमा रही थी। मुझे तो समझ नहीं आता, एक बहू जो कि बहुत मॉडर्न है और दूसरी तरफ बड़ी बहू इतनी छोटी है कि सब उसे बौना बौना कहकर चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी अब लोगों ने बौना कहना शुरू कर दिया है। निर्मला अपनी दोनों बहू से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी, उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। ऐसे ही वह अपनी दोनों बहू के साथ एडजस्टमेंट करके चल रही होती है, तभी अचानक से निर्मला की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। देखो मेघा और शनाया, मेरे जाने के बाद इस घर को तुम्हें ही संभालना है, अगर तुम इस घर को सही से नहीं संभालोगे तो कैसे चलेगा। अरे माँ जी, इस बॉनी के साथ मेरी तुलना क्यों कर रही हो, जरा इसकी हाइट तो देखो। अगर ये मेरे साथ चलेगी भी ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आपको ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तभी वहां पर मेघा का पति रवि डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर आता है। माँ को ब्रेन ट्यूमर है, अगर उनका इलाज नहीं करवाया गया
तो उन्हें कुछ भी हो सकता है और इलाज में कई लाख रुपए लग जाएंगे। ये सुनते ही मेघा हैरान रह जाती है और नितिन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन शनाया के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। भाई आप चिंता मत करो, मैं खूब पैसा कमाऊंगा और माँ को ठीक करके ही रहूंगा। भाई बस यही वक्त है, अगर हम अपनी माँ को बचा सकते हैं। तुझे तो पता ही है अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और हमारी माँ के अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। आप दोनों की मदद करने के लिए मैं भी काम करना शुरू करूंगी, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, मैं भी मेहंदी लगाऊंगी और पैसा कमाऊंगी। वह तीनों पैसा जोड़ने के लिए कमाना शुरू कर देते हैं। इधर मेघा जहाँ पर शनाया की मेहंदी की दुकान होती है वहीं पर मेहंदी की दुकान ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई भी उसे किराए पर मेहंदी की दुकान नहीं देता, जिसके चलते उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वह बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठ जाती है। आइए और सस्ते दामों पर अच्छी मेहंदी लगवाइए, ऐसी मेहंदी ऐसे डिजाइन पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, आइए आइए। मेघा के सस्ते दाम बुलाने पर वहाँ पर कुछ लोग पहले तो देखकर हंसते हैं और उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग वहाँ आकर मेघा से मेहंदी लगवाना शुरू कर देते हैं। मेघा मेहंदी में इतनी परफेक्ट थी कि वहाँ पर से जा रहा हर एक व्यक्ति उसकी मेहंदी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, कहाँ से सीखी है तुम इतनी प्यारी मेहंदी लगानी? जब इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है तो वो कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से सीख जाता है। शादी से पहले मेरे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए थे जिनसे मैंने ये सब सीखा, बाकी तो मुझे मेहंदी लगाना पसंद ही है। मेघा अपनी दुख भरी कहानी सबको बताती है जिसे सुनकर सब लोगों को बहुत दुख होता है और इसी के चलते उसकी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ भी शुरू हो जाती है। जहाँ उसकी छोटी सी दुकान थी वहीं अब उसकी खुद की एक बड़ी दुकान हो जाती है। वह अच्छा खासा पैसा कमा रही होती है और उन पैसों से वह अपनी सास का इलाज करवा रही होती है, लेकिन अपने ही आगे अपनी जेठानी को निकलते हुए देख शनाया से जरा भी रहा नहीं जाता और वो एक रात गुस्से में आकर मेघा की दुकान में आग लगाने वाली होती है। इस बोनी ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया, अच्छा खासा कमा रही थी लेकिन एक ही जगह पर दो मेहंदी की दुकान होने की वजह से अब कोई मेरी दुकान में आता ही नहीं। अब तो यही सही होगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, जब दुकान ही नहीं होगी तो ये मेरा मुकाबला कैसे करेगी। शनाया अपनी ही जेठानी की दुकान में आग लगाने वाली होती है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और उसकी सच्चाई उसी की जेठानी के सामने ले आते हैं, जिसके चलते मेघा को बहुत दुख होता है और वो अपनी देवरानी से कहती है, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि माँ जी के ऊपर क्या बीत रही है, ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ, उनका इलाज कराने के लिए। अरे देवरानी जेठानी का रिश्ता ही एक छोटी बहन बड़ी बहन की तरह होता है, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि हर कोई अपना नहीं होता। मेघा की ये सारी बातें सुनकर शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मेघा से अपनी गलती की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं बहक गई थी। मेघा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मेहंदी का काम करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं और निर्मला का इलाज करवाती हैं। कुछ समय में निर्मला बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहुओं की मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश होती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कमला के पांच बेटे थे, आरव, अशोक, नीलेश, प्रवीण, रोहित। कमला ने अपने तीन बड़े बेटे आरव, अशोक और नीलेश की शादी तीन गरीब घर की लड़कियों से कर दी थी जो कि बहुत सर्वगुण संपन्न थी और कमला के कहने पर हमेशा घूंघट में रहती थी। शाम को तीनों बहू रसोई में घूंघट में काम कर रही थी। बड़ी बहू आशा को घूंघट में ठीक से चावल नहीं दिखते हैं तो पल्लवी कहती है, अरे दीदी आप ठीक से चावल साफ क्यों नहीं कर रही हो, माँ जी ने अगर कंकड़ पत्थर देख लिए तो मुसीबत हो जाएगी, उनका रवैया तो आप जानती हैं। अरे मैं तो ठीक से ही कर रही थी पर क्या करूँ, इस घूंघट में कभी कभी कुछ चीजें दिखती नहीं है। बिल्कुल सही बोली जेठानी जी आप, अभी मैंने आलू काटे थे और इसके आधे छिलके उतरे ही नहीं है, अब दोबारा से करना पड़ेगा, मैं तो सीधा सब्जी छौक नहीं जा रही थी। पता नहीं क्यों माँ जी रसोई में भी काम करते वक्त घूंघट हटाने नहीं देती हैं, ऊपर से साड़ी भी नेट वाली नहीं पहनने देती वरना उनकी इज्जत कम हो जाएगी। चलो चलो जल्दी से काम कर लेते हैं,
वरना माजी का तांडव शुरू हो जाएगा। तीनों खाना ही बना रही थी कि अचानक से कमला की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बहू, जल्दी आओ। अरे ये तो माजी की आवाज है, कहीं गिर गुरा तो नहीं गई? जल्दी चलो। घूंघट वाली बहू जल्दी से कमला के पास जाती है कि तारा बहू का घूंघट में दीवार से मारथा फूट जाता है, फिर भी सास से कहती है, माजी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामत खड़ी है आप। हाँ तो क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये कूड़ा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? सास की बात सुन तीनों बहू लड़खड़ा जाती हैं। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया, और इनको देखो एक कूड़ा दिखाने के लिए ऐसे डराकर बुला रही हैं। वही तो। ओहो, आपस में क्या खुसर पुसर कर रही हो, इसे साफ करो, चलो। जी माँ जी, अभी करती हूँ। फिर पल्लवी वहाँ से सफाई कर देती है। तीनों बहू रसोई में फिर से खाना बनाने लगती हैं और कमला उन्हें देखकर कहती है, ओहो तुम तीनों कैसे मरे मरे हाथों से काम कर रही हो, अरे चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। अगर घर की लक्ष्मी हंसी खुशी खाना बनाएंगी तभी तो खाने वाले को खाना पचेगा, ऐसा मुंह बना रखा है। माँ जी घूंघट में काम करना मुश्किल हो रहा है, आधी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन आप कह रही हैं तो हम हंसते खेलते ही काम करेंगे। चलो पल्लवी तारा, ऐसे ही करो अब। फिर तीनों घूंघट वाली बहू हंसते नाचते हुए गैस पर खाना पकाती हैं, दूसरी फ्रिज में से सामान लाती है और तीसरी हिलते डुलते सब्जी काटती है। ओ जंपिंग चपाक जंपंग जंपंग थंपिंग थपाक थंपंग गिली गिली छू ये, और ये बल्ले। देखिए माँ जी अब कैसा लग रहा है, हम सब खेल तो रहे हैं ना माँ जी अच्छे से रसोई में, हुँ? ये देखकर कमला खड़े खड़े हैरान हो जाती है। अरे अरे बस करो, ठीक से आराम से काम कर लो और रसोई में घूंघट हटा सकती हो, बाहर वालों के सामने नहीं। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, एक तो तीनों गरीब घर से आई हो, ये नहीं थोड़ा दहेज वहेज लेकर आती, लगता है अब दोनों बेटों की शादी करनी पड़ेगी, अमीर घर की लड़की लाएंगे तो मुझे भी मोटे पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है माँ जी, आप देवर जी की शादी कर रही हैं, हम तो बहुत नाचेंगे उनकी शादी में। हाँ हाँ बातें मत बनाओ, अब खाना बना कर ले आओ, भूख लग रही है। फिर तीनों बहू घूंघट में ही खाना बनाने लगती हैं। आशा रोटी बनाकर तवे पर डालती है कि तवे की जगह रोटी जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये घूंघट की वजह से पता नहीं और कितना काम बिगड़ेगा। अरे पर आपने घूंघट क्यों किया है, माँ जी ने तो मना कर दिया ना रसोई में घूंघट हम हटा सकते हैं। ये बात तो हम तीनों को याद ही नहीं रही, क्योंकि माँ जी ने शुरू से हमें घूंघट में रखा है और हम अभी भी घूंघट में हैं, अब हटा देते हैं। फिर तीनों बहू बिना घूंघट के खाना बनाकर सास को खिला देती हैं। अगले दिन वो अपने दोनों बेटों से कहती है, प्रवीण बेटा रोहित, बेटा तुम दोनों की शादी का समय हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, अब जिम्मेदारी संभालने के लायक हो जाओ। माँ हम दोनों ने अपने पसंद की लड़की देख ली है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो अमीर भी है, प्लीज माँ हमें हमारी गर्लफ्रेंड से ही शादी करनी है। हाँ बा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं और आपको वैसे भी अमीर बहू चाहिए थी, वो दहेज लेकर भी आएगी। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। कमला दहेज के लालच के कारण अपने बेटे की गर्लफ्रेंड्स को एक बार भी नहीं देखती और सीधा शादी करा देती है। गृह प्रवेश के समय जब दो बोनी बहू अंदर आती हैं तो वो कहती है, अरे बेटा ये मुझे दोनों बहू छोटी छोटी क्यों लग रही हैं? माँ इनकी हाइट थोड़ी कम है पर इनकी क्यूटनेस पर हम दोनों भाई फिदा हो गए और हमने इनसे शादी करना सही समझा। माँ जी देखिए ना हम कितनी क्यूट हैं, और मैं दहेज में एक लैम्बोर्गिनी कार लेकर आई हूँ, और ये लीजिए आपकी 1,00,000 कैश, अब तो आपको हमारी छोटी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये देखिए माँ जी 50,00,000 का हीरे का सेट, ये हम आपको तभी देंगे जब आप हमें बोनी बहू के रूप में अपना लेंगी और छोटे कपड़े भी पहनने देंगी। हाँ हाँ बहू मुझे सब मंजूर है, मुझे ये हीरे का हार दे दो, वैसे भी शादी तो तुम्हारी मेरे बेटों से हुई है ना। कमला फटाफट से अपनी दोनों बहू के हाथ से वो पैसे और हीरे का हार ले लेती है और उनका स्वागत करती है। बस फिर क्या था, अपने कमरे में जाकर पैसों के बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन से दोनों बहू जो कि बोनी थी तीनों घूंघट वाली बहू पर हंसने लगती हैं और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगती हैं। पर तीनों घूंघट वाली बहुओं ने कभी बोनी बहुओं का मजाक नहीं बनाया था। दोनों बोनी बहू घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थीं।
एक महीना गुजर जाता है। दोनों बोनी बहू अमीरी की वजह से हमेशा घूंघट वाली बहू पर अत्याचार करती थी। अचानक से एक सुबह घर का नलका खराब हो गया था, जिस वजह से पांचों बहू नहा नहीं पाती और सास कहती है, माँ जी हम क्या करें, हमें घर का काम करने के लिए लेट भी हो रहा है, बिना नहाए तो खाना बना नहीं सकते, ना पूजा पाठ कर सकते हैं, अब नहाए कैसे। हाँ माँ जी, और मुझे बहुत गर्मी की वजह से अब चिपचिपा सा लग रहा है, मुझे नहाना है, जल्दी कीजिए ना। हाँ माँ जी, कोई सॉल्यूशन दीजिए। ऐसा करो, मैं प्लम्बर को बुलाती हूँ। ओहो याद आया, यहाँ एक ही प्लम्बर है, वो भी है नहीं एक हफ्ते तक, तुम्हें बाहर ही नहाना पड़ेगा। ऐसा करो, पास में एक नदी है, वहाँ चली जाओ तुम पांचों बहू, मैं तो सुबह नहा ली थी। ओहो अब क्या खुले में नहाना पड़ेगा, और वो भी इन गरीब कवार जिठानियों के साथ नहाना पड़ेगा। अरे अब नहाना है तो जाकर नहा लो, किचकिच मत करो। फिर पांचों बहू नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं, जिसमें तीन बहू तो घूंघट करके नहाती हैं, दो बोनी बहू अपनी शॉर्ट ड्रेस में नहाती हैं। अरे वाह कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने में, ये तो बिल्कुल ठीक कहा, और आगे नहाने चलते हैं चलो। अरे देवरानी जी आगे मत जाइए, वरना आप डूब जाएंगी। हाँ देवरानी जी मत जाइए, तुम चुप रहो, हम तो आगे जाकर भी नहाएंगे, तुम घूंघट में ही नहा लो। दोनों बोनी बहू अपनी बात मनवाते हुए उनकी बात नहीं मानती और नदी की गहराई वाले हिस्से में चली जाती हैं, जिससे वो डूबने लगती हैं। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, हम डूब रहे हैं। अरे मना किया था ना, मानी नहीं ना देवरानी जी, आप दोनों की दोनों, चलो जल्दी से उन्हें बचाने चलते हैं। फिर तीनों बहू अपना घूंघट हटाकर अपनी दोनों देवरानियों को बचाती हैं। आप ठीक तो है ना देवरानी जी? जीठानी जी आप तीनों ने हमें बचाया, जबकि हम दोनों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया, हमेशा आपको भला बुरा कहा, थैंक यू सो मच। हाँ जीठानी जी, हम दोनों ने बहुत गलत किया, हम बहुत शर्मिंदा है। अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो। हाँ मैटर ये करता है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, अंत भला तो सब भला, अब से हम पांचों बहनों की तरह रहेंगी। पांचों एक दूसरे को गले लगाती हैं। इस तरह घर का नलका भी ठीक हो जाता है और कमला की पांचों बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।